हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, जिन्हें अपने नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट आज हम इन्हें देख पा रहे हैं। इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की स्टडी हो चुकी है, इनको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है, इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत से साइंटिस्टों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। माइक्रोबायोलॉजी को फोर एरा में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिस्कवरी एरा, सेकेंड ट्रांजिशन एरा, थर्ड गोल्डन एरा, फोर्थ मॉडर्न एरा। और इन चारों एरा में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। फर्स्ट डिस्कवरी एरा, सबसे पहले एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया कि जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। देन नेक्स्ट 13 सेंचुरी में रोगन बैकोन ने ये पाया कि जो बहुत छोटे छोटे सीड और जर्म्स होते हैं उनसे डिजीज कॉज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट इज एंटोन वॉन लीवेनहॉफ, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया जो कि सिंगल लेंस का था, और इनका बहुत बड़ा योगदान है माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में। इन्होंने इस माइक्रोस्कोप से फर्स्ट टाइम अपने तिथ के बैक्टीरियास को देखा था, जिसे उन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया। इसके अलावा इन्हें बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी एक्सेट्रा के टाइप्स को भी डिस्क्राइब किया। बाद में 1878 में स्टेबल नाम के साइंटिस्ट ने माइक्रोब्स टर्म यूज किया, एनिमल्स क्यूल्स के जगह पे माइक्रोब्स टर्म जो है वो यूज किया। देन नेक्स्ट ट्रांजिशन एरा, ट्रांजिशन एरा को स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है कि उस टाइम साइंटिस्टों ने ये बिलीव किया था, जैसा कि फर्स्ट में मैंने बताया, एरिस्टोटल ने ये बिलीव किया था कि जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। तो ट्रांजिशन एरा में डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया, जैसे फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने तीन जार लिए, ये तीन जार हैं जिसमें उन्होंने मीट के पीसेस को रख दिया तीनों जार में। एक जार को उन्होंने ओपन रखा, दूसरे जार को स्टिल पैक कर दिया एंड तीसरे जार को नेट से कवर कर दिया। जो ओपन जार था, कुछ समय बाद देखा गया कि उसमें मैगोट का फॉर्मेशन हो रहा है मीट में। सेकंड में कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि वो टाइटली सील्ड था, उसमें कोई एयर नहीं आ रहा था इसकी वजह से। थर्ड में जिसे नेट से कवर किया था उसमें भी मैगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि जो मैगोट्स हैं जब बाय एयर प्रोड्यूस हो रहे हैं मीट के पीसेस में, और जो कवर्ड है जिनमें कोई एयर नहीं आ रहा है वहां पे कोई कॉन्टामिनेशन नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट जोहन निदम नाम के साइंटिस्ट ने फ्रांसिस्को रेड्डी के इस एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर दिया। उन्होंने ये बताया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जब हीट किया जाता है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मीट के ब्रॉथ को लिया था और उन्होंने उसे हीट किया, हीट करके उसे ओपन छोड़ दिया। ओपन छोड़ने के बाद कुछ टाइम बाद देखा गया कि उसमें माइक्रोब्स का फॉर्मेशन हुआ है। देन नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया कि हीट किया और उसे कवर किया जिसमें कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ था माइक्रोब्स का।
मींस उन्होंने बताया कि हीट करने की वजह से जो हीट करके जब उसे टाइटली पैक रखते हैं तभी कोई कॉन्टामिनेशन नहीं होता है, और हीट करने के बाद भी अगर उसे ओपन छोड़ दिया जाए तो उसमें माइक्रोब्स कुछ टाइम बाद डेवलप हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज लेजारो स्प्लेंजानी। लेजारो स्प्लेंजानी नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि उन्होंने भी मीट का ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ को उन्होंने हीट किया, देन उन्होंने उसे कूल किया, कूल करने के बाद फ्लास्क को ओपन छोड़ दिया। ओपन छोड़ने के बाद उसमें थोड़े टाइम बाद देखा गया कि माइक्रोब्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने जब किया उसमें उन्होंने सील पैक करके रखा और उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रहा था, जैसा कि जोहन निदम ने बताया था। बट उन्होंने फिर उस सील्ड पैक जार को ओपन किया और कुछ टाइम बाद देखा कि उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ आ रहा है, और इन्होंने ये देखा कि एयर बहुत इम्पॉर्टेंट वे होता है माइक्रोब्स के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो एरा है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के, उसको हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।